हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत बहुत बढ़िया होंगे और जहाँ भी होंगे खुशहाल होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारत का भूगोल। भारत के भूगोल के बाद आज सामान्य जानकारी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि फ्रेंड्स, स्थल से जुड़े हैं हमारे भारत के साथ सात देश। स्थल से जुड़े हैं सात स्थल से, और दो देश जल से जुड़े हैं, ये मालदीव और श्रीलंका जल से जुड़े हैं, और तीन देश जो हैं वो जल और स्थल दोनों से जुड़े हुए हैं, जल प्लस स्थल दोनों से जुड़े हुए हैं। तीन देश ये बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान, ये तीन देश स्थल से जुड़े हुए हैं। और फ्रेंड्स, भारत की अगर जो कुल क्षेत्रफल के बारे में बात की जाए तो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है कुल क्षेत्रफल। और फ्रेंड्स, उत्तर से अगर जो दक्षिण से उत्तर की ओर देखा जाए तो 3214 किलोमीटर तक फैला हुआ है, और पूरब से पश्चिम की ओर 2933 किलोमीटर तक फैला हुआ है, 2933 किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो भारत के बारे में जानेंगे तो भारत के दो नाम हैं, भारत और इंडिया, जो संविधान में भी लिखी हुई बातें हैं ये, भारत और इंडिया। और इससे रिलेटेड जैसे कि क्वेश्चन और भी बहुत सारे किए जाते हैं कि इसमें परिवहन के संसाधन भी है, जैसे कि वायु परिवहन, जल परिवहन, स्थल परिवहन, ये सब है पूछे जाते हैं। और वर्तमान में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है इसमें। तो आगे की ओर बढ़ते हैं, जैसे कि अब इसके बारे में पढ़ेंगे, सामान्य जानकारी के बारे में। जैसे कि भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु को बात किया जाता है, इंदिरा पॉइंट इसका नाम है, इंदिरा पॉइंट ये ग्रेट निकोबार में स्थित है। और इसका फ्रेंड्स एक और नाम है पिगमिलियन पॉइंट इसका नाम है, जो अंडमान निकोबार का ही नाम एक और है। उसके बाद फ्रेंड्स उत्तरी बिंदु को कहते हैं लद्दाख में जो स्थित है, इंदिरा कौल, जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में स्थित है। और पश्चिमी बिंदु ये इंदिरा कौल जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पड़ता है। और पूर्वी बिंदु को देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है किबुथू, इसका नाम है वालांगू, दोनों इसी का नाम है वालांगू, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और पश्चिमी बिंदु को देखा जाए फ्रेंड्स तो इसका नाम है गौहर मोती, ये गुजरात में स्थित है गौहर माता, और उसी को बोला जाता है। और इधर जो यहाँ है इंदिरा पॉइंट, कहा जाता है कि इंदिरा पॉइंट पूछा जाए कि इंदिरा पॉइंट विषुवत रेखा से कितने दूरी पे है, तो 876 किलोमीटर की दूरी पे है ये विषुवत रेखा से। इंदिरा पॉइंट जो है 800 ये विषुवत रेखा 876 किलोमीटर दूरी पर है, 876 किलोमीटर की दूरी पर है। और अक्षांशीय विस्तार में देखा जाए फ्रेंड्स तो यहाँ पे बना दे रहे हैं, ये जो है इसको बोलते हैं अक्षांश, और इसको बोलते हैं देशांतर, और इसको अक्षांश, देशांतर। देखा जाए फ्रेंड्स तो ये जो हमारा यहाँ पे पड़ता है ये भारत के ही है। कहा जाए पूछा जाता है क्वेश्चन कि भारत उत्तरी गोलार्ध में है, तो अक्षांश के दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में है, और देशांतर के दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध के मध्य में स्थित है हमारा भारत। और एक और बातें यहाँ पे आ जाती है फ्रेंड्स, जैसे कि भारत को दो भागों में बांटने वाली रेखा का नाम है, यहाँ से चलता है कर्क रेखा,
बराबर भागों में बांट देता है, सॉरी फोन से गलत हो गया, इधर से चलता है। कर्क रेखा जो है भारत को दो भागों में बांटता है, इसे इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कर्क रेखा कितने राज्यों को होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा 8 राज्यों को होकर गुजरती है। इस साइड से देखें तो हमारा गुजरात, बहुत सारे ट्रिक भी हैं इसको, जैसे कि मित्र प्रोग्राम 6000, तो मैं ट्रिक नहीं बताऊँगा, यहाँ पर मैप पर समझते हैं, पेटी राज्य में स्थित है, तो गुजरात हो जाता है। और गुजरात और थोड़ा सा भाग है राजस्थान, गुजरात फ्रेंड सब लिख दे रहे हैं शॉर्ट में, ये हो गया गुजरात, ये सब भाग, इसका नाम है राजस्थान। गुजरात राजस्थान को आरजे लिख दे रहे हैं। उसके बाद में आता है मध्य प्रदेश, एमपी, उसके बाद में आता है छत्तीसगढ़, उसके बाद में आता है झारखंड, उसके बाद में आता है वेस्ट बंगाल, उसके बाद में आता है त्रिपुरा, ये वाला भाग त्रिपुरा, और ये वाला भाग मिजोरम। मिजोरम अगले फ्रेंड्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गया हमारा राज्य। और इसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कर्क रेखा जो है वो किस शहर से होकर गुजरती है, तो झारखंड की राजधानी है रांची, यहाँ पर रांची से होकर के गुजरती है ये, तो ये हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे भी किया जाता है कि कौन कौन राज्य नहीं बसे हैं, तो ये इसको याद कर लीजिएगा आप लोग, तो नहीं वाला खुद ही बन जाएगा। तो फ्रेंड्स और फ्रेंड्स ये 23.5 डिग्री भारत के जो है 23.5 डिग्री पर स्थित है। और एक और होता है भारत का मानक समय, ये डिवाइडेड करता है भारत का मानक समय, जो कि ये भी भारत को दो भागों में ही बांटता है। हमारे टाइम ड्यूरेशन को देखने के लिए किया जाता है, टाइम ड्यूरेशन को देखते हुए ये मानक समय जो 82.5 डिग्री पर स्थित होता है, 82.5 डिग्री पर स्थित होता है फ्रेंड्स। मानक समय हमारे जो है जीएमटी से 5.5 घंटा आगे है, जीएमटी जो लंदन में है 0 डिग्री पे। तो फ्रेंड्स ये हम देखते हैं, जैसे कि यहाँ से वो जो देखा जाए और यहाँ अरुणाचल प्रदेश, तो 1 डिग्री में फ्रेंड्स होता है 4 मिनट, तो यहाँ से 30 यहाँ पे 2 घंटे की अंतर हो जाती है। तो इसीलिए इन दोनों इसको और इसको जोड़ करके 2 से डिवाइड कर लेंगे तो बीच का आंकड़ा निकल गया है 82.5 डिग्री। तो 82.5 डिग्री इससे क्वेश्चन रिलेटेड बहुत सारे पूछे जाते हैं कि जो भारत का मानक समय है किस किस राज्य से होकर गुजरता है, तो भारत का मानक समय 5 राज्यों से होकर गुजरता है। ऊपर से देखते हैं फ्रेंड्स, तो यह हमारा हो जाएगा यूपी, एमपी, मध्य प्रदेश हो जाएगा फ्रेंड्स, इसी पर लिख देना है छत्तीसगढ़, फिर ओडिशा, ओडी लिख देना फ्रेंड्स ओडिशा, उसके बाद आंध्र प्रदेश, ये जो राज्य हैं इससे होकर के गुजरते हैं हमारा, इससे होकर के गुजरते हैं। तो फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश जो है इसमें याद कर लीजिएगा आप लोग, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश, 3 प्रदेश आ रहे हैं, और 2, 1 छत्तीसगढ़ और 1 उड़ीसा, याद कर लीजिएगा, इस राज्यों से होकर के गुजरते हैं। ये 82.5 डिग्री पे होते हैं। और इससे अगर जो आपको ये वीडियो समझ में ना आ रहा हो तो पीछे पॉज करके देख सकते हैं, या पीछे करके एक बार और रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि समझने लायक विषय ही है। 82.5 डिग्री पर ये हमारा स्थित है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद में भारत जो है क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत 7वां स्थान पे आता है, भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो 7वां स्थान पे आता है पूरे विश्व में। जैसे कि फ्रेंड्स हमारा 7वां स्थान पे है, इसके पहले भी आते हैं बहुत सारे देश, जैसे 1 नंबर पे रूस लिख देना है फ्रेंड्स, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, याद कर लीजिएगा आप लोग, रूस, कनाडा, चीन अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद में आता है ऑस्ट्रेलिया के बाद में आता है भारत, 8वां नंबर पर आता है अर्जेंटीना, इसको भी फ्रेंड्स कभी कभी पूछ लिया जाता है अर्जेंटीना,
ये रहे हमारे रूस 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 कनाडा चीन अमेरिका ब्राजील, उसके बाद में आते हैं ऑस्ट्रेलिया भारत अर्जेंटीना, और हमारे भारत के पड़ोसी देश भी साथ हैं। जैसे पड़ोसी देशों को गिना जाए तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इधर चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, म्यांमार का पुराना नाम है वर्मा, बांग्लादेश, और इधर से श्रीलंका को नहीं ले जाता फ्रेंड्स। ऐसे तो हमारे ये 7 पड़ोसी देश हैं। पड़ोसी देशों से क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जो ये जो राज्य हैं पड़ोसी राज्य, जैसे नेपाल, नेपाल कितने राज्यों को टच करता है, भूटान कितने राज्यों को टच करता है, बांग्लादेश कितने राज्यों को टच करता है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो मैं फ्रेंड्स बता रहा हूँ, जैसे कि पाकिस्तान 5 राज्यों को छूता है भारत के राज्य को। जैसे यहाँ से देखा जाए तो लद्दाख, लद्दाख हो गया, पंजाब हो गया, और ये राजस्थान हो गया, और ये गुजरात हो गया। तो मिला करके 5 राज्य ये छूते हैं इधर से पाकिस्तान, और एक राज्य है ऊपर से जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, नहीं जम्मू कश्मीर यहाँ फ्रेंड्स होता है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, इधर हो जाएगा राजस्थान, इधर गुजरात, ये हो गए इधर से। और इधर से नेपाल भी 5 राज्यों को छूता है, जैसे उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, और ये सिक्किम, 5 राज्यों को छूते हैं। उसके बाद में फिर फ्रेंड्स ये चीन जो है, चीन भी 5 राज्यों को छूते हैं। जैसे यहाँ से देखा जाए तो हमारा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये सब जो है ये छूते हैं चीन। अब इधर भूटान, भूटान नहीं है फ्रेंड्स, 5 राज्यों वाला बता रहे हैं। जैसे बांग्लादेश है, बांग्लादेश भी छूते हैं 5 राज्यों को। जैसे बांग्लादेश यहाँ से पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, ये मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम का कुछ पार्ट भी छूता है फ्रेंड्स, और ये हमारा पश्चिम बंगाल, ये 5 राज्य हो गए। और 4 राज्यों को छूने वाले स्टेट हैं भूटान और इधर म्यांमार, ये 4 राज्यों को छूते हैं। म्यांमार जैसे कि यहाँ से मिजोरम, मणिपुर, इसको नागालैंड, और ये अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार टच करता है, और इधर से फ्रेंड्स भूटान 4 स्टेट को टच करते हैं, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, और यहाँ तक कुछ पश्चिम बंगाल के भाग होते हैं, तो पश्चिम बंगाल को भी टच करता है। तो फ्रेंड्स ये आशा करता हूँ आप लोग पॉज करके वीडियो को ये लिख लीजिएगा कि कितने राज्यों को टच करते हैं। और देखा, और सबसे लंबी सीमा, सीमा की बात किया जाए तो भारत में सीमा सबसे लंबी यहाँ से लेकर के बांग्लादेश जो है सबसे लंबी सीधा साझा करता है भारत के साथ, 4096 किलोमीटर। और सबसे कम साझा करता है अफगानिस्तान, 106, जो कि अपवाद का विषय है। अफगानिस्तान ये एक राज्य को छूता है, लद्दाख को, बस लद्दाख को छूता है, और इसका किलोमीटर 106, जो अपवाद का विषय है। और देखा जाए फ्रेंड्स भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश शामिल है, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप में पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, ये सारे देश जो हैं भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल हैं, शामिल देशों की संख्या है। ओ फ्रेंड्स सॉरी, यहाँ पे भारतीय उपमहाद्वीप में पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश ये शामिल है, ये म्यांमार नहीं है शामिल। और फ्रेंड्स देखा जाए तो ये सीमा जो टच करते हैं, इधर से जो टच करते हैं वो देश जो हमारे राज्यों को सीमा को टच करते हैं, ये 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश को टच करते हैं, 2 केंद्र शासित प्रदेशों को टच करते हैं। फ्रेंड्स आगे चलते हैं हम लोग 22 डिग्री के नीचे, ये 23 डिग्री है, 22 डिग्री के नीचे फ्रेंड्स ये जो देखते हैं हम ऐसे से भी से बनता है 22 डिग्री के नीचे। तो 22 डिग्री के नीचे पूछता है कि भारत के तटीय राज्य कितने हैं, तो तटीय राज्यों की संख्या 9 है। तो इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, पश्चिमी तट और पूर्वी तट, इससे क्वेश्चन आते हैं। तो पूर्वी तट से कितने राज्य छूते हैं और पश्चिमी तट से कितने राज्य छूते हैं, इसको हम देखते हैं। पश्चिमी तट से गुजरात, महाराष्ट्र, ये गुजरात हुआ हमारा, उसके बाद महाराष्ट्र,
महाराष्ट्र के बाद में कर्नाटक, यहाँ एक छोटा सा राज्य मान लेते हैं फ्रेंड्स गोवा, गोवा भी आता है। उसके बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद में आता है केरल, केरल। तो इधर से पांच राज्य छूते हैं जो ये दक्षिण के तटवर्ती हैं। इधर से देखा जाए तो केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात पश्चिम तट से, और पूर्व तट से देखा जाए फ्रेंड्स तो चार राज्य छूते हैं। जैसे यहाँ से तमिलनाडु, तमिलनाडु, उसके बाद में आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उड़ीसा को फ्रेंड्स उड़ी लिख रहे हैं, उड़ीसा, उसके बाद पश्चिम बंगाल। ये चार राज्य हैं जो इधर से छूते हैं पूर्वी तट से। तो इससे क्वेश्चन आते हैं और देखते हैं फ्रेंड्स भारत के पेटी राज्य, पेटी राज्यों में है जैसे कि यहाँ गुजरात आ जाएंगे, गुजरात के बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उसके बाद में आ जाते हैं पश्चिम बंगाल। ये भारत के पेटी राज्य में है। और भारत के पूर्वोत्तर राज्य जो हैं उसको आठ राज्य हैं जो मैं एक वीडियो बना चुका हूँ पहले, उसको देख लीजिएगा प्ले लिस्ट में जा करके। उसके बाद में पूछे जाते हैं इसे क्वेश्चन कि भारत की तटीय जो सबसे ज़्यादा समुद्र को टच करते हैं वो सबसे बड़ी कौन सी है, तो गुजरात, और सबसे लंबी कौन सी है, तो आंध्र प्रदेश, और सबसे छोटा कौन है, तो गोवा। तो फ्रेंड्स और एक और क्वेश्चन इसे रिलेटेड पूछते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत के सबसे लंबी तटवर्ती राज्य कौन सा है, तो वो आंध्र प्रदेश हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आशा करते हैं ये वाला वीडियो आपको ये सब समझ में आ गया होगा। तो आगे की ओर बढ़ते हैं, भारत की स्थल की सीमा देखा जाए फ्रेंड्स, तो यहाँ से लेकर के ऐसे ऐसे चलेंगे और यहाँ तक आ जाएंगे हम, तो स्थल की सीमा आ जाती है 15,200 किलोमीटर। और भारत की तटीय सीमा देखा जाए तो यहाँ से लेकर के ये सब बनाती है, तटीय सीमा की लंबाई हो जाएगी 6100 किलोमीटर। और पूछा जाता है फ्रेंड्स कि द्वीप, तो द्वीप इसके पहले पिछले जो वीडियो बनाया था उसमें बता दिया हूँ, द्वीपों की संख्या होती है 247 द्वीप होते हैं, जिसमें अंडमान निकोबार में 200, और फ्रेंड्स इधर जो है द्वीपों की संख्या 247 है। जो बंगाल की खाड़ी में द्वीप हैं, ये जो द्वीप हैं इसमें 204 द्वीप हैं, और इधर जो हैं 43 द्वीप हैं। 43 द्वीप में अकेले लक्षद्वीप में जो है 36 द्वीप हैं, लक्षद्वीप में 36 द्वीप हैं। तो इसको बोला जाता है कि द्वीप और तटीय को मिला दिया जाए तो इसकी टोटल लंबाई हो जाती है 75,16.6 किलोमीटर, इसकी लंबाई हो जाती है टोटल तटीय और इसको मिलाकर के तटवर्तियों को मिलाकर के, द्वीप और तटवर्तियों को मिलाकर के ऐसा होता है। अब फ्रेंड्स जैसे कि पूछे जाते हैं कुछ सीमा के बारे में बता दे रहे हैं इधर, तो फ्रेंड्स कुछ सीमा रेखा है जैसे कि देखा जाए यहाँ पे तो मालदीव और यहाँ 8 डिग्री चैनल है, 8 डिग्री जो कि हमारा भारत का चालू होता है, यहाँ पे 9 डिग्री है। तो 8 डिग्री जो चैनल है मालदीव और अमेरिका है, 8 डिग्री जो चैनल है, 8 डिग्री का जो चैनल है मालदीव और मिनिकाय को अलग करता है, मिनिकाय को अलग करता है। और 9 डिग्री जो चैनल है फ्रेंड्स यहाँ मान लीजिए 9 डिग्री चैनल है मिनिकाय और लक्षद्वीप को अलग करता है। ये हो गया इधर का। और इस साइड देखें तो फ्रेंड्स अंडमान निकोबार के बीच में एक ऐसे 10 डिग्री चैनल बना हुआ था, जो 10 डिग्री चैनल होता है छोटा अंडमान को बड़ा निकोबार से अलग करता है। और इस साइड थोड़ा सा और बढ़ेंगे ग्रेट चैनल के बारे में, तो जो इंदिरा पॉइंट है जहाँ पे, तो ये अंडमान को यहाँ पे इंडोनेशिया है फ्रेंड्स, इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया। ये अंडमान निकोबार का पुराना नाम है मरकत द्वीप भी पुराना इसका नाम है अंडमान निकोबार का। इंडोनेशिया में क्या है खास बात पूछे जाते हैं कि सुमित्रा द्वीप जो है यहाँ पे है, सुमित्रा द्वीप जो कि इंडोनेशिया में दक्षिण पूर्व में स्थित है,
दक्षिण पूर्व में स्थित है इंडोनेशिया में सुमित्रा द्वीप। सुमित्रा द्वीप और अंडमान निकोबार को अलग करने वाले का नाम थी, इसका नाम है ग्रेट ग्रेट चैनल, ग्रेट चैनल, इसका ग्रेट चैनल नाम है इसका। और फ्रेंड्स इधर चलते हैं, देखने वाली बात है 1896 ईस्वी में रेड क्लिफ रेखा के निर्माण हुआ। रेड क्लिफ रेखा जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के वर्तमान में और बीच की रेखा है, उसके बाद में भारत और पाकिस्तान के बीच की जो रेखा है उसका नाम है रेड क्लिफ। नहीं फ्रेंड्स वन मिनट, सॉरी फ्रेंड्स, इसका नाम है डुरंड रेखा, डुरंड रेखा, और इसका नाम है रेड क्लिफ, रेड क्लिफ, रेड क्लिफ नाम है, जो 1947 में बना देश आज़ादी के समय सर रेड क्लिफ के सम्मान में। और इधर जो पूछे जाते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे, और अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच की जो रेखा है मैकमोहन, मैकमोहन रेखा है जो 1914 ईस्वी में इसको निर्धारित किया गया था फ्रेंड्स। और इससे रिलेटेड जैसे कि और भी क्वेश्चन है, भारत विश्व का 2.42% भूमि है यहाँ भारत में। और भी कुछ क्वेश्चन हैं जैसे कि इधर देखा जाए त्रिपुरा तो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है, और यहाँ बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच की जो सीमा रेखा है शून्य सीमा रेखा है। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, और अथी आया होगा तो फ्रेंड्स इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इस वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा बढ़िया समझने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।